ऐसी खबर है जहां पर वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। मेडिकल कॉलेज बनने से इलाज के लिए दिल्ली की दौड़ लगाने से अब निजात मिलेगी। बुलंदशहर में ही गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। मंत्री से कई लोगों ने पेंशन, आवास आदि मिलने की शिकायत भी की। शिकायतों के निस्तारण का डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। और आज बुलंदशहर में भ्रमण पर है उत्तर प्रदेश सरकार के वन राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना। हमने दो जगह हम गए, भारत विकास की जो योजनाएं चल रही हैं आम जनता को बताएं, और मुझे इस बात को देख के खुशी हुई कि वहाँ पर बहुत से लोग वो थे जिन्होंने इन योजनाओं का लाभ उठाया, और उनसे मैंने यही कहा कि आपको एक योजना का लाभ मिला, अब आप ऐसे लोगों को देखें जो इस योजना के पात्र हैं लेकिन उनको योजना का लाभ अभी तक नहीं मिला है, उनको भी लाभ पहुँचाइए। कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें कुछ योजना का लाभ नहीं पहुँचा, उनसे कहा गया भाई, किसी ने कहा कि मैंने मकान के लिए अप्लाई किया, मेरा नंबर नहीं आया, मैंने कहा कि उनसे करो। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा मेरी पेंशन अभी नहीं आ रही है, पहले आ रही थी, तो मैंने कहा भाई दिखवाएंगे क्या वजह है, क्या उनका KYC नहीं है, क्या वजह है क्यों नहीं आ रही है। तो इस तरह से हम लोगों का एम ये रहा कि जो भी देहात के अंदर, गाँव के अंदर, दूर दूर के लोग हों जिनको अगर योजना का लाभ नहीं पहुँचा है तो, और वो पात्र हैं तो उनको योजना का लाभ जरूर दिलाया। स्वास्थ्य विभाग में भी मैं गया था, आज सुबह ही गया था वहाँ के, मैंने अस्पताल देखे, इमरजेंसी देखी, वार्ड देखे, इसके साथ ही साथ यहाँ का मेडिकल कॉलेज भी देखा, वहाँ के जो प्रिंसिपल आई हैं उनसे भी मिले, जो नई फैकल्टी आई उनसे मिले, और मुझे उम्मीद है ये मेडिकल कॉलेज बहुत जल्दी ही तैयार हो जाएगा, और यहाँ के मरीजों को जो पहले जरा तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई दिल्ली भागो, अब यहीं पर वो सहूलियत से मिलने लगेगी जो उन्होंने दिल्ली जाना पड़ा। नहीं, वो चौपाल अच्छा है और लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। जब आम पब्लिक बता रही है कि मुझे फ़ायदा मिल रहा है, हम उसी को मानते हैं कि हाँ वास्तव में मिला। बुलंदशहर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।